राहत सहित के चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मजेदार चिकन चीज सैंडविच बना रहे हैं। चिकन चीज आप पिज्जा भी बोल लीजिए इसे, और ये बच्चे ले जा सकते हैं आराम से अपने लंच बॉक्स में, और बड़े भी ले जा सकते हैं तो शाम की चाय में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान आ जाए तब भी बनाकर सामने पेश कर सकते हैं। तो आइए चल के बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ली है और इसको मैंने काली मिर्च और नमक में बॉईल कर लिया है और इसको शरेड कर लिया है। यहाँ पर मैंने ली है 1 कैप्सिकम और इसको भी छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया है हादिया ने। इसको मिला देते हैं इसमें, और स्प्रिंग अनियन को भी इसमें मिला देते हैं। 2 स्प्रिंग अनियन ली थी उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। स्पाइसेस में इसमें डालूंगी मैं ब्लैक पेपर, आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैं डालूंगी चाट मसाला। थोड़ा कम डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बनाइएगा। और इसमें मैं डालूंगी नमक हसवे जायका। तो ये नमक ऐड हो गया और अब हम इसको मिला लेंगे। अब हम इसको स्लाइस पे लगाएंगे। तो ये केचप डाल दिए, आपकी मर्जी है केचप जितना ज्यादा डालना चाहे कम डालना चाहे। इसको स्प्रेड कर लेंगे। डालेंगे हम चिकन जो हमने बना के रखी हुई है। बहुत मज़ेदार जायकेदार, ज़रूर ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को, और बच्चे तो खुश खुश और राज़ी राज़ी हो जाएंगे आपसे, और बड़े भी आपसे खुश हो जाएंगे। ये बना लिया, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं क्रीम चीज़। चीज फैलाना मुश्किल है थोड़ा। और इस पे डालेंगे हम चीज, हमने चीज डाल दी इस पर। ये एक सैंडविच हमारा रेडी हो गया, या पिज्जा भी कह सकते हैं आप इसको। एक बना लिया, आप दूसरा बना रहे हैं कि मैं यहाँ पर पिज्जा टाइप भी बना रही हूँ और सैंडविच भी बना रही हूँ, दोनों चीजें बना रही हूँ। अब यहाँ पर हम चीज को लगा लेते हैं। जो आपके घर में अवेलेबल चीजें हो आपको लगा सकते हैं, मायोनीज भी लगा सकते हैं आप चाहें तो। तो मेरे पास यहाँ पर क्रीम चीज था तो मैंने यहाँ क्रीम चीज लगा ली है। ये देखिए जबरदस्त हो जाएगा, रिच हो जाएगा, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी। तो जरूर बनाइए। ये देखिए जबरदस्त हो गया, उस पर भी डाल देते हैं हम चीज, और बच्चे भी बोलेंगे चीज। तो ये हमारे बन गए पिज्जा। ये हमने जो है वो सैंडविच बना लिया, पिज्जा सैंडविच, और इस तरह सारे तैयार कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऑयल नहीं डाल रहे हैं और ऑयल के बगैर ही बना रहे हैं। तो हमने तवा गरम कर लिया और उस पर हमने ये सैंडविच रख दिए हैं। तो एक साइड से जब ये गरम हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा स्लाइस का, तो फिर हम पलटा देंगे और आपको दिखाएंगे। प्यारे व्यूअर्स देखें, एक साइड से कलर अच्छा हो गया है तो हमने पलट दिया है, और अब इसको कट करते हैं। और इसको कट करने के बाद आपको चीज दिखाते हैं कि वो कैसी लग रही है। बहुत गर्म है इस वक्त, मेरे हाथ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये रेडी हो गई है हमारी, सैंडविचेस रेडी हो गए। तो इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कट किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं चीज। वाह वाह वाह, जबरदस्त किस्म की है हमारी ब्रेड रेडी हुई है।
और इसे अब हम अपने डिनर में खाएंगे। आप उसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और लंच में भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। और मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं चेयर पे बैठ के बना रही हूँ। आदिया ने सारी हेल्प की है मेरी तो, लेकिन आपको पता है कि बच्चों के लिए माँ को सब कुछ करना होता है, हिम्मत भी करनी होती है। तो आप जरूर मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को सजाए रखे, आपको बहुत खुशियां दे। आमीन सुमा आमीन। राहत सईद को इजाजत दीजिए अपनी खुसूसी मोमेंट हादिया सईद के साथ। अल्लाह हाफिज़।